की सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बोहरिया और रज्जो मौसी का नमस्कार। कैसी हो रज्जो बोहरिया? मैं अच्छी हूँ रज्जो मौसी, और आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हालांकि श्रोता से तो कहना चाहिए हमेशा ही बातचीत होती रहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कल ही हमने बातचीत की कि भाई हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता है, तो आज हम बिल्कुल समय से बता दें अपने सुनने वालों को कि आज क्या क्या व्यंजन हमारे पास है परोसने के लिए। बिल्कुल, और हम व्यंजन तो बताएंगे ही। और यहाँ पे मेरा व्यंजन का मतलब था कि क्या क्या विषय रहेंगे आज। अरे वाह, क्या बात है दस्तरखान में। अच्छा, तो सबसे पहले हम बता देना कि बच्चों को बनाएं आत्मनिर्भर। हाँ, कैसे इस पे बातचीत होगी? बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें भी लिखकर भेजी है, तो हम कुछ समय बाद उनको भी शामिल करेंगे। और खास बात सौर ऊर्जा के फायदे, क्योंकि हाल ही में बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो सोलर एनर्जी से जुड़ी, जो कहना चाहिए एक सिटी बनी है, और भी बातें हैं करेंगे आगे। और व्यंजन, हाँ, जैसे आपने बोला, तो व्यंजन ये वो वाला व्यंजन है जिसमें खाना बताया देखो जाएगा। ना बहुरिया, हम कई बार कहते हैं ना कि आज खाने में क्या क्या आइटम है, तो हमारे प्रोग्राम के जो आइटम्स थे हमने बता दिया अपने सुनने वालों को। तो हमेशा की तरह कुछ गीत की शुरुआत करोगी क्या? अच्छा, पहले गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। बच्चों तुम खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल
वाकई बहुत ही प्यारा बहुत ही सटीक गीत तुमने सुनवाया मनु बहुरिया। बच्चे तो सचमुच नाजुक होते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सच पूछो तो हमें भी बहुत संयम की जरूरत है बिल्कुल उन्हें कुछ सीखने सिखाने के लिए। बिल्कुल रज्जो मौसी इसीलिए एक श्रोता है उन्होंने लिखा भी है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है। उनका आत्मनिर्भर होना उनके जीवन के लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही एक अच्छा उद्देश्य है। बच्चे जब आत्मनिर्भर होते हैं तो उनके सामने उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते होते हैं जिसका चयन वो अपनी सूझबूझ से करते हैं और ऐसे ही कई काम होते हैं जो उन्हें अकेले ही करना होता है। तब उनके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता और माता पिता भी कहना चाहिए कि कुछ बेफिक्र हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कुछ काम उन्हें खुद ही करने दें। बिल्कुल सही लिखा है आपने, लेकिन आप उनके काम पर नजर जरूर रखें, जैसे स्कूल का होमवर्क, घर में अपने जूते चप्पल को सही स्थान पर रखना, ये बिल्कुल अनुशासन करना सिखाना उनको, स्वयं भोजन करना वगैरह। इन क्रियाओं से उनके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और अनुशासन भी आएगा, जो मैंने बीच में ही कह दिया था। बिल्कुल। और रज्जो मौसी एक जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आत्मनिर्भर बनने से पहले बच्चों में धैर्य जो है, धैर्य बहुत जरूरी है और ये धैर्य बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए बचपन से ही। जैसे कि बच्चे अगर कुछ खिलौना अगर खेल रहे हैं और खिलौने खेलते खेलते अगर कुछ उनसे टूट जाती है तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रोने लगते हैं या वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे बन नहीं रहा है, तो उन्हें समझाएं कि भाई ये जो हार जीत है खेल में हो या पढ़ाई में हो तो हार को भी कैसे स्वीकारना है और खुशी स्वीकारना है उसके लिए, उसके प्रतिद्वंदी या जिससे प्रतियोगिता हो रही है या खेल हो रहा है उसके प्रति किसी तरह का मलिन मतलब लेकिन आजकल जानती हूँ ऐसे बहुत सारे खेल आते हैं जो आपने ये बात कही अभी कि उन्हें धैर्य सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चों को अगर आप बनाने के लिए दे दें तो बड़ी देर तक उसमें उलझे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं क्योंकि उसमें वक्त लगता है। मैंने भी अपने बचपन में देखा, मुझे लगता है कि उस तरह के भी खिलौने देने से ना उनका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा और शायद जब ध्यान केंद्रित करने की आदत अगर लग जाए तो फिर मुझे लगता है धैर्य साथ ही साथ बढ़ने लगेगा ऐसा। बिल्कुल, तुमने देखे होंगे ना वैसे खिलौने। जी हाँ आजकल तो बाजार में बहुत कहना चाहिए कि मानसिक विकास के लिए बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी आते हैं। और वहीं एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता एक स्वस्थ व्यक्ति को भी विकलांग बना सकती है। ऐसे में जरूरत है माता पिता अपने बच्चों को उनके बचपन में ही आत्मनिर्भरता के गुण सिखाएं। माता पिता की नजरों में उनका बच्चा हमेशा छोटा रहता है, वे किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर जरूरतें पूरी करते हैं, उनका काम भी खुद भी ही कर देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेगा तब उसे ये सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, एक और श्रोता ने भेजा है बहुरिया लिखकर ये कि बच्चों को जब वो थोड़ा समझने वाला हो जाए उससे छोटे छोटे काम जैसे खिलौने खेलने के बाद उसे जगह पर रखाए। स्कूल जाने वाले बच्चों को अपना स्कूल बैग उस दिन के टाइम टेबल के अनुसार सेट करके पेन पेंसिल रबर वगैरह चेक करें और अपने जूते ड्रेस एक साथ एक जगह पर रखें, रात में ही तैयार करके रखें। ये कोई माँ ही लिख सकती है ना। इससे आपको भी सुबह सुबह चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और सिर्फ टिफिन ही बनाना पड़ेगा। स्कूल से लौटकर आने पर भी अपने जूते कपड़े बैग वगैरह जगह पर ही रखें। इस तरह से बच्चों में काम करते रहने की आदत पड़ जाएगी और बड़े होते होते उनका भी दिमाग सही तरीके से काम करने का सलीका आने लगेगा और आत्मनिर्भर बनते चले जाएंगे। क्या बात है। और जी हाँ रज्जो मौसी, और ऐसे ही एक श्रोता ने अपने पोते के बारे में कहा है कि पोता सारा खिलौने को कबड़ में उठाकर बेड पर रखा था तो मैंने उसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे जवाब दिया, मम्मा ने कहा है कि अपना कबर्ड क्लीन करो और टॉयज अरेंज करके रखो।
तो उसे बेड ही सबसे साफ सुथरा जगह लगा दिखा, और जहां अपना उसने टॉयज अरेंज कर रहा था, वो खिलौने रख रहा था, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर माता जी के लिए एक संदेश ये हो सकता है कि साफ सफाई वाली जगह पर उसे सिर्फ बिस्तर ही क्यों मिला और कोई जगह क्यों नहीं। तो ये इस पे हम सोचे कि उस बच्चे ने वैसा क्यों सोचा। एक और जरूरी बात बहुत मुझे लगता है कि बच्चों को ना कभी दूसरों के सामने, आपके घर में कोई पड़ोसी आया है या मित्र है या रिश्तेदार है, उनके सामने में आप अपने बच्चों को ना तो कभी डांटें ना ही मारें, और उनकी शिकायत करें। क्योंकि बच्चों को की शिकायत अगर आप किसी और के सामने करते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, आत्मविश्वास बहुत कम होता है, और जब आत्मविश्वास कम होने लगेगा तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह रजमौजी, एक जो चीज़ है कि भाई जब फैसले लेने की जो आज़ादी है, कहना चाहिए कि बचपन में आप उसे, जब छोटे हैं बच्चे तो उनको खिलौने की दुकान ले जाइए और उन्हें खुद चुनने दीजिए कि वो कौन सा खिलौना पसंद कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे उनमें कहना चाहिए कि फैसले लेना जब वो शुरुआत वो कर देंगे, वो हुनर आएगा, हुनर आएगा, तो आगे भी वो अपनी ज़िंदगी में जब बड़े फैसले लेने होंगे तो वो कर पाएंगे। तो इस तरह से कहना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक श्रोता ने लिखा है कि पहले जमाने में बच्चे संयुक्त परिवार में पले बढ़े, उन पर बड़ों का दबाव कम ही होता, बच्चे एक दूसरे को देखकर और बड़ों का अनुसरण करके बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आज के एकल परिवार में बच्चों को कुछ ज्यादा ही महत्व देकर उन्हें सुरक्षित वातावरण में पाला जा रहा है, इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता की कमी दिखाई दे रही है, वे न तो अपने आप कोई निर्णय ले पाते हैं और ना ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। अच्छे व्यक्तित्व के लिए बच्चों में आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। मनु भौरिया, हो सकता है इनकी बात कुछ प्रतिशत सही होगी, लेकिन जो मैंने अपने आसपास देखा है बिटिया, वो ये कि संयुक्त परिवार में फिर भी और लोग, चाची, बुआ और लोग होते हैं, दादी होती है जो उनके काम कर देती हैं, लेकिन अब बड़े शहरों में जहां संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं, वहां पर जहां माता पिता दोनों दफ्तर जाते हैं, तो मैंने देखा है कि बच्चे परिवारों में, कुछ परिवारों में वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनको ये पता है कि हाँ मुझे मम्मी आएंगी शाम में 5 बजे तो मुझे अपने होमवर्क कर लेने हैं, या शाम में कोई मित्र आ रहा है तो उसके साथ मुझे खेलने जाना है, हर तरह की चीजें हम अपने आसपास समाज में देखते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई तीसरा व्यक्ति करने वाला नहीं है उनका काम। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी बच्चों को अनुशासित करना उनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, समय की मांग है ये, क्योंकि कल वो बच्चा बड़ा होकर फिर बाहर निकलेगा या निकलेगी काम पे, तो उसको पता है कि मुझे बचपन से ये आदत दी गई है, तो वो आत्मनिर्भर होगा और अपने आसपास भी लोगों को यही शिक्षा देगा या समझाएगा या समझाएगी, है ना। संयुक्त परिवारों में बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों को कहना, अगर बुआ ने डांटा है तो दादी ने प्यार कर लिया, माँ ने डांटा है तो दादाजी ने प्यार करके कह दिया, बच्चा है ये कर देते हैं ऐसा। बिल्कुल, वो तो है ही। और एक जो ये तो साथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रजमौसी, और बच्चों को ना कभी भी शॉर्टकट तरीके से काम करना ना सिखाए, मतलब जैसे काम की बात हो ही रही है कि अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्टकट से बचे। उन्हें थोड़ा परिश्रम जरूर लगेगा, हमको भी लगे, क्योंकि माता पिता होते हैं तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो उन्हें लगता है अरे ये क्यों परिश्रम इतना करे, क्यों हार्ड वर्क करे, तो कई बार माताएं बोल देती नहीं बेटा तुम इसको ऐसा कर दो, तो वो जो शॉर्टकट हम जब बोलते हैं उस समय तो हम ये नहीं सोचते कि वो उसकी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आगे चल के ये चीजें कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आत्मनिर्भर ये सभी बातें हमारे जमाने की है, जब हम परिवार में बहुत भाई बहन हुआ करते थे, हर एक की जिम्मे में एक काम हुआ करता था, किसे बिछावन ठीक करना है, किसे किताबों की अलमारियां ठीक करनी है, किस जूते चप्पल
किसे मतलब जूते चप्पल का रेक साफ करना है। हमें तो बचपन में ये सख्त हिदायत दी थी कि अपना खाया हुआ बर्तन उठाकर जहाँ बर्तन धोने का जगह हो वहाँ रखना है। अगर घर में दाई नहीं आ रही है तो अपना खाया हुआ बर्तन धोना भी था और हम सभी भाई बहन को ये काम करना पड़ता था। आजकल तो छोटा परिवार है, एक या दो बच्चे, माँ बाप दोनों कामकाजी हैं तो बच्चे स्वतः स्वावलंबी बन जाते हैं। माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म कर लेते हैं, अपना होमवर्क कर लेते हैं और अपने स्टडी टेबल भी ठीक कर लेते हैं। अगर मम्मा खाना नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं, खाना बाहर से ऑर्डर हो जाएगा। डिजिटल युग के बच्चे मैंने जैसे आपने कहा ऐसा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की बातें हैं। और मौसी एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो इस गीत के बाद वापस जुड़ते हैं। Thank you.
रज्जो मौसी इसी तरह बच्चों की भी खिलखिलाहट घर में गूंजती रहती है ना, और कितना खुशनुमा सा माहौल होता है, लगता है जैसे जीवन है ना। हाँ, तो बस बातें हो रही थी आत्मनिर्भर कैसे बनाना है बच्चों को, और बहुत सारे श्रोता हैं उन्होंने लिखा भी है, और एक श्रोता है उन्होंने वो ये लिखते हैं कि आत्मनिर्भर रहना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, यदि बच्चे आत्मनिर्भर बन जाए तब तो अभिभावकों की आधी से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। अक्सर हम लोग आत्मनिर्भरता को नौकरी से जोड़कर देखते हैं, फिर उसी के अनुरूप बच्चे को ढालने का प्रयास करते हैं, उसके कैरियर ग्राफ के महत्व को समझाते हैं, फिर उसी के अनुरूप उन्हें विभिन्न कोचिंग सेंटर में डालकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें उनकी अभिरुचियां देखनी चाहिए, उनके उभरते परों की उड़ान का ध्यान रखते हुए तद अनुकूल व्यवहार और निर्देश देने चाहिए। ऐसे में उनकी आत्मनिर्भरता का विकास होगा, वे समाज में अकेले चलने के योग्य और शीघ्रता से बनेंगे। सदाचार और नैतिकता का विकास फिर उन्हें और आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसके फलस्वरूप वे अपने कैरियर को और भी अच्छे ढंग से विकसित कर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने लिखी है, लेकिन अगर आजकल आप अपने आसपास देखो और टेलीविजन चैनल्स पे देखो तो मुझे लगता है बहुरिया कि बहुत से माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो बहुत जागरूक हैं इन चीज़ों को लेकर। जिस तरह से बच्चे कई तरह के कार्यक्रम में आ रहे हैं, चाहे वो गीत संगीत हो या वो नृत्य हो, और उनको कंपटीशन, आप किस तरह से प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे, आपको किस तरह से नाम कमाना है दुनिया में, पैशन के साथ साथ आपको प्रोफेशन, आप क्या आगे बनना चाहते हैं उसको भी लेकर छोटी छोटी जगहों से, बड़े शहरों की बात अगर हम भी करें तो हम अक्सर टेलीविजन के पर्दों पर देखते हैं कि जो बहुत अच्छा गा रही है या जो बहुत अच्छा नृत्य करी, वो अक्सर बड़ी छोटी जगहों से होते हैं, अन्य राज्यों से होते हैं, और वो आकर अपने अपने हुनर को, अपनी कला को वहां प्रदर्शित करते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और रज्जो मौसी, और इसकी शुरुआत वो बचपन से ही कर देते हैं। बिल्कुल, तभी तो वो इस लायक होते हैं कि 6-7 साल के बच्चे और इस कदर इतना बढ़िया गाते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। तो ये बात तो है कि इस तरह की चीज सीखकर वो और आत्मनिर्भर होते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। अब देखो ना, आप फैसले लेने की बात तो तुमने बताई, इसके साथ साथ गलतियों से सीखने के बारे में भी उन्हें बहुत बताने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यदि किसी काम को करते समय कोई गलती कर बैठा कोई बच्चा, तो आपने कहा था कि भाई उन्हें डांटिए, फटकारिए या मारिए, नहीं, मारना तो बहुत ही गलत है, तो उससे बच्चे डर जाते हैं और उस काम को करने से फिर अपने आप को रोकने लगते हैं, और या वो फिर वो प्रयास ही छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों की गलती पे उन्हें बड़े धैर्य से, यहाँ आपके धैर्य की जरूरत है, इम्तिहान है, तो आप उन्हें समझाएं, और बच्चा जरूर सीखता है बहुत जल्दी सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा बच्चों को ये भरोसा दिलाएं कि आप कोई भी परिस्थितियाँ, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उनके साथ हैं। तो जब इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं और जब बच्चों को आप पर भरोसा हो जाता है, तो वो इधर उधर नहीं जाते, या कहना चाहिए कि गलत कामों की तरफ, जो गलत कार्य हैं उनकी तरफ नहीं भागता, और कभी उसको परेशानी होती है तो वो आपसे वो बातें शेयर करता है। तो ये भी ध्यान रखें कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके हमेशा साथ हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है बहुरिया कि जब दोनों माँ बाप काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो कहीं मुझे लगता है खासकर माताओं के अंदर वो एक गिल्ट रहता है कि मैं अपने बच्चों को पूरा वक्त नहीं दे पा रही हूँ। अव्वल तो ये कहना जरूरी है कि आप किसी तरह के गिल्ट में ना रहिए, और उसको उसका कॉम्पनसेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए वो बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और गिफ्ट्स लाते हैं। तो यहाँ बच्चों को ये भी आप एक ऐसा ऐसी फीलिंग न दें कि माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं और वो हमारे लिए इतने तरह तरह के उपहार लेकर हमेशा आते रहते हैं। उनको पैसों की कीमत भी समझाने की जरूरत है। और रही बात इनाम की, तो इनाम जरूर दीजिए जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं, या छोटी छोटी उपलब्धियां भी अगर वो लेके आते हैं न, तो उस समय उन्हें इनाम दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए अच्छे कामों के लिए। तो ये है जरूरी, और हर जिद को पूरी करना भी जरूरी नहीं है, ना? बिल्कुल, और इस तरह से तो बच्चे जिद्दी बन जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे, बिल्कुल जी, उन्हें लगेगा कि वो जो चाहते हैं वो हो जाना बहुत जरूरी है।
और हमारे एक श्रोता ने इसी तरह एक बात लिखी है कि आज के विषयों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की बातें होने वाली है, बढ़िया विषय है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये बात भी सच है कि एक गुजराती मुहावरा है, पुत्र ना लक्षण पारणा माँ, मतलब पुत्र हो या पुत्री उसके लक्षण पालने में उनके माता पिता को पता चल जाता है कि बड़ा होकर तरक्की जरूर करेगा। इसलिए उन बच्चों को योग्य शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके माता पिता का अहम रोल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका पहला स्कूल परिवार ही होता है। एक और संदेश है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उसे शुरू से आत्मनिर्भरता का गुण सिखाना बहुत जरूरी है। इससे बच्चा अपने काम स्वयं कर पाएगा, साथ ही वो अपने विचार स्कूल या घर में सही से व्यक्त कर पाएगा। आत्मनिर्भरता बच्चों में अपने फैसले खुद लेने के गुण को विकसित करती है और बच्चों को अपने काम स्वयं करने दें लेकिन आप उनके काम पर नजर जरूर रखें। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा पैसे की कीमत समझाएं, जैसा भी हमने भी कहा, अगर माता पिता समय समय पर बच्चों को ये कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है तो इससे बच्चों को बच्चे के आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है। इससे बच्चा अपने काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही। और एक चीज रज्जो मौसी जी, कि हर काम के लिए बच्चों को टोका की ना करें, मतलब बेवजह उन्हें ना टोके कि अरे ये मत करो, ये करोगे तो गिर जाओगे, ये मत करो, ये गलत बात है। उन्हें खुद भी समझने दीजिए कि क्या, खासकर बचपन में अगर हम बात करें, जब छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, तो हर बात में भी बेवजह हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो इससे भी कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास कहना चाहिए, या कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है और वो कोई भी काम पहल करने से डरते हैं। तो रज्जो मौसी, अभी वक्त हो चला है एक छोटे सा, गीत लेंगे लेकिन हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद किस सुनाएंगे। अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। और जैसे कि रज्जो मौसी ने कहा कि गीत सुनेंगे, तो भाई गीत आपको सुनवाते हैं। Oh,
आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा को देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने। सोच में रहता हूँ डर डर के, कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत रजो मौसी। बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे क्या सौर ऊर्जा के बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल, बहुत सारे संदेश हमारे पास आ गए, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है, जानकारी हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजी है। बिल्कुल, और जैसे कि एक श्रोता है उन्होंने लिख के भेजा है कि हर साल सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा धरती पर पाए जाने वाले समस्त कोयले तेल गैस आदि की मात्रा से 130 गुना अधिक है। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से ही प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधे जीव जंतुओं और जलवायु द्वारा किसी विभिन्न स्तर पर किया जाता है, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का भी प्रचलन बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीक में होने वाले विकास की मदद से मनुष्य ने ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जिससे धरती पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को विज्ञान एवं तकनीक की मदद से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल, ये सोलर पैनल्स तुमने भी देखा होगा बिटिया, कई जगहों पे जी देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने अपने घरों के छतों पे लगा रखे हैं,
होटलों में देखने को मिलता है ऐसे। एक और संदेश है बहुरिया, ये मैं पढ़ दूं, सौर ऊर्जा एक प्राकृतिक ऊर्जा का विशाल भंडार है, वो स्वयं ही अपने आप में धरा की विकृतियों को विनष्ट कर धरती को प्राकृतिक रूप में रखने में समर्थ है। फिर यदि हम उसके इस प्राकृतिक ऊर्जा भंडार का प्रयोग अपने और समाज के हित में करते हैं तो हम धरती और उसके वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में समर्थ हो सकते हैं। इससे हम विद्युत का उत्पादन कर कार्बन उत्सर्जन दर को कम कर ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती दर को प्रभावित कर सकते हैं, फलतः स्वयं बचते हुए अपनी धरती को भी सुरक्षित रख सकते हैं, बिगड़े हुए मौसम चक्र में सुधार ला सकते हैं और इस तरह सौर ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। और सौर ऊर्जा की जैसे बात हो ही रही है तो ये तो है ही कि जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है वो ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, और ये जो है ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता, ये सीधे सूर्य से मिलती है, इसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और सूर्य की किरणों को सौर्य पैनल जिसमें सिलिकॉन की प्लेट्स लगी होती हैं वो कहा जाता है सौर्य पैनल कहलाता है, फोटोवोल्टिक पैनल और होते हैं, सौर हीटर होता है, सोलर थर्मल होता है, और इसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा में इसको बदला जाता है सूर्य की किरणों को। और सोलर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा इस ऊर्जा का जो है विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिजली पैदा करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए घर पर, जैसे लाइट आपने बोला ही मौसी की लाइट है, और जैसे खाना बनाना सोलर कुकर भी आते हैं, और सौर परिवहन भी हैं कई व्यवसायिक, और अगर हम बात करें उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, तो इस तरह से वगैरह गर्म करने के लिए भी है ना, तो इस तरह बहुत तरह से क्षेत्र है बिल्कुल हमारे जीवन में बहुत। एक और मैसेज है सौर ऊर्जा का, तो सबसे बड़ा फायदा यही है, एक श्रोता ने लिख के भेजा है कि बिजली बचेगी, खाना पौष्टिक बनेगा, अभी तुमने बताया कि हम खाना भी बना सकते हैं, और वायु प्रदूषण से भी बचे रहेंगे। इन्होंने लिख के भेजा है कि द्वीप की भौगोलिक स्थितियों के अलावा स्थानीय प्रयासों के कारण देश का पहला ऐसा शहर फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया है जो दिन में 100% सौर ऊर्जा से चल रहा है, जिसमें बाहरी ऊर्जा की खपत नहीं, परिचालन लागत का कम होना आसान और विश्वसनीय है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, आर्थिक रूप से लाभकारी है, पर्याप्त उत्पादकता है, और स्थापना और स्थानांतरण आसान है। जहां तक आर्थिक रूप से लाभकारी की बात है तो उसमें बहुरिया ये है कि जब आप इसको व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लगाते हैं तो खर्च ज्यादा होता है, लेकिन इसमें सब्सिडी भी मिलता है, हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सब्सिडी मिलता है, सरकार जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, और अब अगर आप घर पर अगर पैनल लगवा रहे हैं या व्यवसाय में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, और इसी तरह किसानों के लिए भी कुसुम योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत इस तरह के जो सोलर सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं खेतों में तो आप लगवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ कमियां हैं तो बहुत से फायदे भी हैं। तुमने फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी की भी बात की थी, क्योंकि बहुत तरह के सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे थे, इस ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो 5 तरह के होते हैं और उसमें एक है फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी, ये सोलर पावर का सबसे सामान्य रूप है कहते हैं, और इसे सोलर सेल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और ये सीधे सूर्य के किरण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसका उपयोग जो है वो सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन में किया जाता है। बिल्कुल, और इसी तरह सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम होता है, और ये जो है ये दूसरा रूप है, और इसे सीधे प्रकृति से लिया गया है, सूर्य की किरण से पानी को गर्म किया जाता है फिर उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे घर में पानी गर्म करना है, स्विमिंग पूल में जैसे पानी आपको गर्म करना है, वॉशिंग मशीन के लिए गर्म पानी का यूज करना है, तो इस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, और फिर सोलर पावर प्लांट भी होता है, तो ये हम अभी बता दें या गीत वीत सुन के या एक इसके बारे में तो बता ही दें कम से कम, है ना भाई। सोलर पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये सोलर एनर्जी का
तीसरा प्रकार है जिसका उपयोग अधिकतर बड़े इंडस्ट्रीज में होता है जहां सूर्य की किरण से सीधे सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और उसके बाद पैसिव सोलर हीटिंग भी है, ये भी बहुत पुराना सोलर एनर्जी सिस्टम है। इसका उपयोग घर या ऑफिस के लिए रोशनी करने के लिए किया जाता है, ठंड के समय में घर को गर्म रखने के लिए और अंदर बहुत सारी रोशनी रहे इसके अनुसार रूम के अंदर जो है खिड़कियां बनाई जाती हैं। और मौसी जी, वैसे ही एक सोलर कूलिंग सिस्टम होता है, इसका उपयोग जो है सूर्य की किरण से ठंडा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर जैसे हो गया, तो इसके लिए थर्मल शीतलन प्रणाली की तरह ये काम करता है जो तापमान को कम करके ठंडा रखता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार हैं सोलर ऊर्जा के। और बहुरिया एक संदेश है, उसको उसमें उन्होंने लिख के भेजा है कि सौर ऊर्जा स्वच्छ है, ये कोई कार्बन उत्सर्जन या अन्य गर्मी रोकने वाली ग्रीन हाउस गैसें नहीं बनाता है, और ये जीवाश्म ईंधन के लिए खनन या ड्रिलिंग से जुड़ी पर्यावरणीय क्षति से बचाता है, और इसके अलावा भाप टर्बाइन का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाले बिजली संयंत्रों के विपरीत सौर ऊर्जा भी बहुत कम या बिल्कुल पानी का उपयोग नहीं करती है। क्या बात है, तो ये तो है ही कि इससे हानिकारक रेडिएशंस जो हैं उनका खतरा नहीं होता, तो पर्यावरण भी हमारा बचा रहता है। फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं जैसा आपने बोला। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, के बुझ तो क्या है
चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, नए गुल से गुलशन को आबाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। हाँ तो भाई सवेरे के सूरज की बात हो रही है, सूरज से जो हमें मिलता है, तो ये सवेरे का सूरज हम सबको कितना सबके लिए बिल्कुल लाभकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हमारे श्रोताओं ने भी लिखा कि इससे जो है बिजली की जो है बचत काफ़ी होती है, कहना चाहिए कि ना के बराबर होती है। तो अगर ये सिस्टम आपने लगाया है घर में सोलर सिस्टम के, तो इससे बिजली की काफ़ी बचत होगी और साथ ही प्रदूषण की जो बात की जाए बिल्कुल बचाया जा सकता है। और सोलर एनर्जी का जो उपयोग हम अगर बताएं तो घर के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उनकी मदद से घर में जो है बिजली का उत्पादन तो कर ही सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जो कहना चाहिए कि आजकल बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो इसके सोलर एनर्जी के का उपयोग करके ही चल रही हैं, तो इस तरह की गाड़ियां भी हैं जो किया जा रहा है। और सबसे बड़ा फायदा जो है कृषि जो पंप होता है उसमें सौर ऊर्जा को अगर हम उसका उपयोग करें तो उसको हम कृषि में उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी महंगे स्रोतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसानों को उन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत से फायदे हैं। अभी हाल में हमने ये भी सुना जी मनु भौरिया कि पूरा शहर पोलर सिस्टम से चल रहा है, अब जल्दी बताओ वो कहाँ पर? हाँ बिल्कुल, सांची शहर है जो कि मध्य प्रदेश का है और यहाँ पर 3 मेगावाट सोलर सिस्टम लगाया गया है और भी जो सोलर मेगावाट सोलर सिस्टम का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट यहाँ तक कि सारे जो सिस्टम हो रहे हैं वो सोलर सिस्टम के थ्रू ही किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है और कहना चाहिए कि देश का पहला सोलर सिटी बन गया है। जैसे कि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी था दीव जो है वो है, लेकिन वो भौगोलिक स्थितियों के कारण था। और इस सांची को सोलर सिटी बनाने के पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत है, काफ़ी चीजें जो है कहना चाहिए कि हो रही हैं, अच्छी बातें हैं। और बहुत सारे उपकरण हैं। हाँ बहुत सारे उपकरण हैं बिल्कुल, कुछ तो वो सोलर पैनल है या सोलर टॉर्च है, सोलर बैटरी है, सोलर कुकर है। सोलर कुकर तो हमने बहुत पहले भी सुना था है ना, बिल्कुल। वाटर हीटर है, सोलर लैंप है, सोलर भट्टी है, सोलर चिमनी है, स्ट्रीट लाइट्स हैं जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया, ट्रैफिक लाइट्स है, सेलफोन है बिल्कुल, चार्जर्स हैं, सोलर ऊर्जा पंखा है और रेफ्रिजरेटर भी है, यहाँ तक कि पावर कंडीशनिंग है, कैलकुलेटर जी हाँ। ज्ञान कहाँ से कहाँ हमें कहाँ पहुँच गया है। बस ये है कि इसके लिए बहुत से जो देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और विकास की बात हो रही है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कमियां है कि अगर जैसे सूर्य की किरणें अगर नहीं है और बरसात का समय है या फिर धूप नहीं है और ठंड का समय है तो, और रात्रि के समय जब सूर्य की किरणें नहीं होंगी उस समय ये जो सिस्टम है वो उतना काम नहीं करेगा। तो इसके लिए भी प्रयास जारी है और बहुत से देश में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मौसी जी, व्यंजन से जुड़ी हुई बातें भी हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं और बहुत टेस्टी कुछ लिखा है जिसमें मुंह मीठा हो जाता है, लिखा है इन्होंने रसभरी। रसभरी सुनकर ही मुंह मीठा हो जाता है तो फिर बना लेते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। सामग्री लिखी है 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून गरम घी या तेल, चुटकी भर मीठा सोडा, केसर या खाने वाला पीला रंग, 2 कप शक्कर, 1 कप पानी, इलायची पाउडर। अब बनाना कैसे है, ये बनाना है कि एक कढ़ाई में शक्कर पानी डालकर 1 तार की चाशनी बना रखें, मैदा में दही बेसन सोडा जो खाने वाला सोडा है, घी 1 टीस्पून डाल दें, गरम डालकर पानी डालें,
अच्छा, पानी को गर्म कर लेना है और खूब फेंट लें। बैटर पतला नहीं करना है, आसानी से गिर जाए बस वैसे ही। 15-20 मिनट तक फिर फेंट लें। अब कढ़ाई में या फ्राई पैन में तेल या घी गर्म करें। जब अच्छा गर्म हो तब आसानी से भजिए जैसा कुरकुरे बनाकर चाशनी में डालें। ध्यान रखें चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं हो। चाशनी में केसर और इलायची पाउडर डालें, गर्मा गर्म रस भरी खाएं और खिलाएं। और इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इस बैटर से जलेबी भी बना सकते हैं। क्या बात है, तो घर के करके देखोगी ना? बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक गीत सुन लेते पहले। चलो सुनते। भाई अब समय कम है, जल्दी से कोदो का खीर तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल रज्जो मौसी, तो कोदो, कोदो तो सबको पता ही होगा कि कोदो जो है वो चावल का छोटा रूप होता है। तो वो कोदो ले लें और शक्कर और दूध ले लें। कोदो के खीर में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि कोदो को जो है वो धो लें और पानी में उबाल लें उसे। पानी में उबालेंगे और वो पक जाए, उसके बाद उसमें दूध डाल के उसे उबालें और उसमें शक्कर, आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल दीजिए। इलायची पाउडर डालना है इलायची पाउडर डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, तो ये बहुत ही पौष्टिक रहता है। बिल्कुल खाइए। और अब हम लोग भी चल लें, इजाजत लें अपने श्रोताओं से। हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं। रज्जो मौसी का, हाँ रज्जो मौसी और मन्नो बहुरिया का नमस्कार।